अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नहीं वो जो आप लोगों ने नेता नहीं करना, आप लोगों जो वो दिखाना आप लोगों कैसा है ना। नारा को कितनी बार भूल लगा, बोला को लाने को तैयार नहीं है। नीचे 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 नीचे, अरे अपन है नहीं स्पाइडरमैन बंद बनो घूम पर सब अड़ जाएंगे, सब समझदार है। आदर्श नगर बी सेक्टर में गोलू भावसार जी का मकान है और इनकी तीसरी मंजिल की छत पे एकदम धमाके की आवाज़ सुनाई थी स्थानीय रहवासियों को।
और जैसे ही लोगों ने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे एक दीवार नीचे गिर गई थी पास के खाली जगह पे और आग लग गई थी। जब स्थानीय रहवासियों ने मुझे सूचित किया तो मैंने नगर निगम फायर ब्रिगेड को सूचित किया, फायर ब्रिगेड अभी आई है और उन्होंने आग बुझा दी है। भैया प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस कारण से आग लगी थी? तीसरी मंजिल है, सामान्यतः ऊपर एक गैस की टंकी आदमी अपने ऊपर स्टोर में रखता ही है, तो हो सकता है कि एक गैस की टंकी गर्मी की वजह से फूट गई होगी, ऐसा अभी वर्तमान में प्रतीत होता, बाकी सुबह पता चलेगा। भैया बताया कि स्थानीय रहवासी उनके द्वारा एक टंकी भी नीचे निकाली गई है। हाँ, दो टंकियाँ थी, एक टंकी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है, दूसरी टंकी को पड़ोसी हैं वो ऊपर से गए कि कहीं और ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपनी रिस्क लेके और वो ऊपर गए और उन्होंने उस टंकी को नीचे। भैया ये जो दीवार गिरी है इसके क्या कार दब गई इसमें? हाँ, नीचे पड़ोसी का मकान है वो यहाँ पर अभी इस समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए टीम के शेड पे वो दीवार गिरी है और कुछ लिक्विड गिरने की वजह से नीचे थोड़ी आग लगी थी, वो अभी वर्तमान में सब कार में भी आग लगी है क्या? हाँ, थोड़े नीचे भी कुछ नुकसान है, लेकिन चूंकि अभी आग का ये समय चल रहा है इसलिए अभी अंदर जाके नुकसान का मुआयना नहीं कर सकते, उसको देखेंगे क्या स्थिति। कितनी फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है अभी तक? दो।